समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। 22 दिसंबर से मोतिहारी से यात्रा की होगी आगाज। बक्सर में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, तकरीबन 12 लोग घायल। बोधगया ब्लास्ट के 8 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा, 10 दिसंबर को दोषी करार दिए गए थे 8 आरोपी। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन, शाखाओं में कामकाज ठप, लोगों को हो रही परेशानी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है, मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है, सब रजिस्ट्रार के कई ठिकानों पर छापेमारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीसी धारा 120B के तहत मामला दर्ज। तो आईपीसी की 120B धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद छापेमारी शुरू की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में ये छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार के कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी जारी है, क्या बातें निकलकर अभी तक सामने आ रही हैं? जी देखा जाए तो बिहार सरकार जो है ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जो सरकारी पद पर रहकर जो पद का दुरुपयोग कर धन अर्जित कर रहे हैं, इस मामले को लेकर जो लगातार समस्तीपुर के मगरदही स्थित जो एक कुंज है, जहाँ जो है कि लगातार जो है सुबह से ही विशेष इकाई की जो टीम जो है, निगरानी की टीम जो है, लगातार छापेमारी कर रही है और लगातार जो है मनीरंजन जो है जिनके ऊपर 1,62,00,000 का जो है मामला है आय से अधिक संपत्ति का, इसी मामले को लेकर पहले ही निगरानी की विशेष टीम ने इस मामले को लेकर निगरानी अदालत के अंदर मामला दर्ज कर और इस पे जो है कार्रवाई को लेकर आज जो है लगातार सुबह से है 3 घंटे से अधिक से जो है कई जगह पर छापेमारी लगातार जारी है। फिलहाल छापेमारी में अभी कुछ चीजें हो जो पता चली हो, कोई ऐसी बातें धन संपत्ति के बारे में कुछ बातें सामने आई हो? इस मामले में जो पता चला है कि जो अब मनीरंजन जो है जो सब रजिस्ट्रार है उनके ऊपर जो है 1,62,00,000 रुपए का मामला आय से अधिक संपत्ति का है। इस मामले को लेकर जो है कि विशेष निगरानी की जो इकाई की टीम जो है यहाँ पहुंची है, लगातार जो है सुबह से छापेमारी कर रही है और अभी तक इस मामले में अभी तक कुछ भी बाहर निकल कर नहीं आ रहा है, जबकि अभी तक अंदर छापेमारी चल रही है और हम लोग जो है जो भाई मीडिया कर्मी वो सभी अभी बाहर में रुके हुए और इंतजार कर रहे हैं कि कब वहां से निकलेंगे, उनसे बात करें कि आखिर आगे और क्या कुछ अभी तक जो है उन्होंने वहां से प्राप्त किया। जी कैसे हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है वो बेहद एक्टिव है और किसी तरीके से किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है उसको सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है और लगातार उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैंने आपसे बताया कि इस बात जो है अब जो है कि सरकार जो है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे जो है अंकुश लगाने के लिए अब जो है कि एक्शन मूड में आ गई है। जो सरकारी पद पे रह कर उसका पद का दुरुपयोग कर और जो सरकारी जो संपत्ति जो है अर्जित कर रहे हैं गलत तरीके से, उसे बकसने के मूड में अब सरकार नहीं और इसी को लेकर जो है कि आज जो है समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर पटना के अंदर जो है मनीरंजन के 3 ठिकानों पे लगातार सुबह से छापेमारी जारी है। जी कैसर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि सुबह से ही ये छापेमारी जारी है, हालांकि जब ये बातें सामने आई थी उसके बाद से चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है, तो क्या जिस पर ये आरोप लगा है उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान इसको लेकर? बिल्कुल, इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी जो घर के अंदर के लोग हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि सुबह से ही जो उनके ठिकाने हैं वो सो के उठे भी नहीं थे कि उससे पहले निगरानी की टीम वहां पहुंच गई, जो लोग जहां हैं उन्हें उसी जगह पे रोक दिया गया है, अभी तक कोई भी आदमी कहीं से बाहर नहीं निकल पाया है और लगातार जो है निगरानी की टीम जो है अपनी कार्रवाई कर रही है और छापेमारी कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर ये,
समस्तीपुर से आपको बता रहे हैं, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो लगातार छापेमारी है वो कई जिलों में जारी है। सब रजिस्ट्रार के घर छापेमारी जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे छापेमारी जारी है। देखिए भारी तादाद में जो पुलिस है वो वहां पर मौजूद है और अंदर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बिल्कुल, तो ये समस्तीपुर की तस्वीरें हैं, उनकी आवाज की तस्वीरें हैं जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पुलिस बल तैनात है और लगातार छापेमारी जो है वो जारी है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। तो ये समस्तीपुर के मगरदही घाट में इनका घर है और यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर के जांच जो है वो सुबह से ही की जा रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता कैसर ने बताया कि सुबह आंख खुलने से पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और आरपीसी की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसी के आधार पर छापेमारी कोर्ट ने जब सर्च वारंट जारी किया तो उसके बाद से लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। 22 दिसंबर को मोतिहारी से उनकी यात्रा का आगाज होगा और 24 तारीख की अगर बात करें तो गोपालगंज, 27 को सासाराम में वो यात्रा करेंगे, 29 को मुजफ्फरपुर, 30 को समस्तीपुर में उनकी यात्रा है, 4 जनवरी को गया और 6 को बेगूसराय में उनकी यात्रा है। वहीं आपको बता दें कि 8 को जमुई, 11 को पूर्णिया में जनसभा भी सीएम नीतीश करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, सीएम लगातार अगर बीते दिनों की भी बात करें तो कई योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया, कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास लोकार्पण किया और अब देखिए वो लगातार बिहार के कई जिले हैं जहां दौरा करने वाले हैं, क्या खास वजह रहेगी? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी हुई थी उसको लेकर कई बार देखा गया है कि बिहार में उसके बावजूद भी जहरीली शराब की बोतलें मिली, तो कहीं बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि मैं बिहार के तमाम उन जिलों का यात्रा करूंगा और वहां के लोगों को जागरूक भी करूंगा। देखिए इसी के तहत 22 तारीख से यानी 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। हालांकि उससे पहले 21 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक होनी है, उसके बाद 22 तारीख को पहला जो यात्रा होगा वो मोतिहारी में होगा और उसके बाद से शुरू हो जाएगा और करीब 15 जनवरी तक चलने वाला है, जिसमें मोतिहारी, गोपालगंज, सासाराम, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, बेगूसराय, जमुई, पूर्णिया आदि कई जिले हैं और आखिरी जो खत्म होगा वो पटना में आकर खत्म होगा। उत्कर्ष, देखिए लगातार समाज सुधार यात्रा की अगर बात करें तो वो सीएम करने वाले, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून को किस तरीके से ठेंगा दिखाती तस्वीरें हमारे पास भी सामने आई और खुद जो लगातार बड़े नेता हैं, मांझी की बात कर ले और कई ऐसे नेता हैं जो लगातार इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बिहार में आईएएस अधिकारी जो है वो भी रात को शराब पीते हैं, ऐसे में क्या नहीं लगता कि सबसे पहले सीएम को उन लोगों को जवाब देना चाहिए या उनको लेकर के कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल पूजा, देखिए शराबबंदी को लेकर लगातार जो है वो मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि तमाम विपक्षी दल के साथ अब सत्ता दल भी है, वो भी आरोप लगा रहे हैं बड़े अधिकारी जो है वो भी शराब का सेवन करते हैं। हमने भी तस्वीर दिखाई थी कि बिहार भारत और नेपाल बॉर्डर पर किस तरीके से फेंसिंग खुले हुए हैं, तो शराब का जो तस्करी है वो लगातार हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री कोशिश जरूर कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि हमने हर प्रयास किया है, बिहार को सुधारने की कोशिश की है, शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने की कोशिश की है। देखिए अब इसी को लेकर जो है वो तमाम यात्रा करने वाले हैं, ये उनकी 13वीं यात्रा है और 22 तारीख से शुरू होने वाली नकार सकते हैं कि देखिए पहले ह्यूमन चेन सीएम ने बनवाया, उसके बाद उनकी तरफ से शपथ भी तमाम अधिकारियों को दिया गया और लेकिन अब भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं शराबबंदी कानून को विफल करने को लेकर लगातार कवायद जारी है, ऐसे में एक क्या लगता है, एक सख्त कानून, एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है या जो अभी हो रहा है वो इनफ नहीं है?
जी बिल्कुल पूजा, देखिए सख्त कानून की जरूर जरूरत है, लेकिन अब यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये भी समझती होंगी, क्योंकि जो बिहार है उसके चारों तरफ शराबबंदी लागू नहीं है। क्योंकि अगर नॉर्थ साइड देख ले तो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार के सटे हुए बॉर्डर में फिर आपको नेपाल आ जाता है, बंगाल है, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून जो है उसे इंप्लीमेंट कराने में मुख्यमंत्री को काफी कठिनाई हो रही है। हालांकि आला अधिकारी जो है वो जरूर कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाए। 9 बार अधिकारियों की तरफ है। से कोशिश लगातार जारी है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीएम भी आपको बताएं कि समाज सुधार यात्रा पर खुद निकलने वाले हैं और शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए एक अहम कदम उठाने वाले हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बक्सर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जिले के कोरोना सराय थाना क्षेत्र के कोपवा गांव के पास यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पड़े। दरअसल कोरान सराय की यह घटना है और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और करीब 12 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल डुमराव भेजा गया। ये बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग अंतिम संस्कार कर चरित्रवन बक्सर से वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी बाइक सवार को बचाने के क्रम में चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण खो गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना तो हम लोग को टेलीफोन द्वारा मैसेज मिला कि ये गाड़ी पलट गई है, यहाँ काफी तेज रफ्तार में चल रही थी और गाड़ी पलटी है। शायद मोटरसाइकिल वाले भी थे, वो मोटरसाइकिल वाले भी बचे हैं, उन लोगों का इलाज कराने के लिए 5-7 आदमी को भेजे हैं। अब बाकी ये सामने है आपके। सर कितने लोगों की मृत्यु हुई? 3 आदमी की हुई है। कारणों को पता यह चला कि गढ़ा के लेकर हुआ है। अनजान जो बस आती है, चाहे वो कोई गाड़ी वाला है, वो नहीं जानता, उसको गिरना ही है। जो जान रहा है उसको तो भाई होशियारी ठीक चल जाता है, लेकिन जो नहीं जान रहा है उसको घाई। आज यहाँ कांड करीब करीब 7-8 गो हो गया। कम से कम 8वां 10वां घटना है और पर डे ऐसा घटना घटता है। कोई जीवित रह गए, कोई मर गए, मतलब भी मरने वाली संख्या कम से कम 8-10 है। यहाँ पर डे ऐसा काम होता है और गड्ढा बहुत भयानक था, अचानक कोई भी देखेगा तो कोई भी गिर सकता है ना। तो आगे एक मोटरसाइकिल वाला रहे, तो वो साफ एकदम मैंने रॉन्ग साइड रहे। ड्राइवर जो रहे, हमने क्या मना करी जाए कि भाई तन धीमा ले चल, लेकिन वो ज्यादा मैंने रफ गाड़ी लावत रहे तेज करके। हाँ ओनिये से वक बोलल गो, लेकिन तो कुछ मने माने कुछ ना माने। एक अभी तो हमने की जाना, लेकिन ये हमारा ना पता। लेकिन खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ बक्सर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, दर्दनाक हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जी आपको बताते चले कि डुमराव अनुमंडल के कुरासराय थाना क्षेत्र के जो कोपवा मोड़ है वहां पर मुसहर इड़ा है और वहां पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जहां पर कि 3 लोगों की जो मौके पर ही है वो मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के क्रम में यह दुर्घटना हुई है, तथा जो मुख्य सड़क है जो NH 120 है उस पर एक बड़ा सा गड्ढा था और उसी गड्ढे में जो है वो उस गड्ढे की वजह से जो बस अनियंत्रित होकर के पलट गई है, जहां पर कि 3 लोगों की मौत हो गई है तथा लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। आपको बताया चले कि जो बाइक सवार था, जिस बाइक पर 2 लोग बैठे हुए थे, वो डुमराव के रहने वाले थे, जिनमें एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है तथा उसे बनारस रेफर कर दिया गया है। जी सुमित, जिन लोगों ने अभी बयान दिया उनका कहना है कि ये ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, तो क्या वहां पर जो सड़क की स्थिति है उसे अब तक प्रशासन की तरफ से ठीक नहीं किया गया है? जी अगर सड़क की बात करें तो NH 120 का जो ये सड़क है, वहां पर सड़क के बीचों बीच एक लगभग 2 से 2.5 फीट का एक गड्ढा था, जिसकी वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। लेकिन अगर कल की बात कर ले तो कल की दुर्घटना के तुरंत बाद ही उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया है। सुमित बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बोधगया ब्लास्ट के 8 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। दरअसल ये सभी आरोपी 10 दिसंबर को दोषी करार दिए गए थे। वहीं इस कांड में कुल 9 आरोपी थे, जिसमें से 8 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद पटना की NIA कोर्ट ने 10 दिसंबर को इन सभी को बोधगया ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिया था।
बता रहे आपको कि 19 जनवरी 2018 को बोधगया में महाबोधि मंदिर और इसके पूजा स्थल कालचक्र मैदान और इसके आसपास आईईडी बम लगाए गए थे, जहां पहला बम निष्क्रिय करने के दौरान फट गया था। वहीं पुलिस को तलाशी के दौरान कालचक्र मैदान से 3 रसोई और शौचालय से 1-1 आईईडी बम बरामद किए गए थे। बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है। बेगूसराय पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, तो इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से बता रहे हैं। 108 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके से शराब तस्कर फरार हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से बता रहे हैं आपको। बछवाड़ा थाना के सांझापुर गांव का ये मामला है, और बता दें आपको केस लगातार शराब तस्करों के खिलाफ प्रशासन सक्रिय है, और बेगूसराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई को करते हुए 108 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं। बेगूसराय से आपको बता दें कि पुलिस जो है उसकी बड़ी कार्रवाई सामने आई और 108 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है। समस्तीपुर में एक संदिग्ध युवक को मोहनपुर स्थित बीआरबी कॉलेज से पकड़े जाने के बाद अब जांच तेजी हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम भी जांच में जुट गई है। वहीं युवक की पहचान नेपाल के निवासी के रूप में हुई है। युवक के पास से कॉलेज के फर्जी सर्टिफिकेट, विदेशी नोट और कागजात भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ की, लेकिन युवक के द्वारा सही रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई। कभी मोतिहारी भी बता रहे हैं, तो उसके सारे प्रमाण पत्र जाली हैं। अभी तो नहीं बता पाएंगे हम, चेक करने के बाद प्रिंसिपल पूरा सर्टिफिकेट मिला है, और जो भी सर्टिफिकेट है बीआरबी कॉलेज का है, बिहार बोर्ड का भी है और नेपाल का भी है, यही सब है। और कौन-कौन राज्य से हैं? और तो नहीं बता पाएंगे। कितने राज्यों से हैं, क्या करते हैं, और उसका सर्टिफिकेट जो फर्जी बताया गया है कैसे बनवा दिया? यहाँ से एक आदमी मिला था बेंगलोर में, उनके थ्रू बनाया। कौन? कौशल। कैसे जान पहचान? वो एडमिशन कराते थे सर। इंजीनियरिंग कहाँ से किया? बेंगलोर से। बेंगलोर से इसी फर्जी सर्टिफिकेट में बेंगलोर से इंजीनियरिंग कर लिया आपने? इस पर एडमिशन हुआ था सर, इस पर एडमिशन हुआ। तो अभी यहाँ क्या करने आए थे? एक दूसरे प्रमाण पत्र के लिए। मोतिहारी से क्या? मोतिहारी से क्या लेकर? पहले मेरा वहाँ घर था। एक संदिग्ध व्यक्ति जो का उसने मूल पत्र मिले जो बीआरबी कॉलेज के नाम से था, वो पूर्णतः जाली था। कटिहार में बैंक कर्मचारियों बैंकों को निजीकरण को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, और बता दें कि 2 सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ इस हड़ताल का ऐलान किया गया है। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत देश के तमाम बैंक आज बंद रहेंगे। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की विनिवेश लक्ष्य के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। वहीं इससे पहले सरकार ने 2019 में IDBI बैंक में अपनी बहुलाश हिस्सेदारी और LIC को बेचकर IDBI बैंक का निजीकरण कर दिया था। इसी के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। भारत सरकार जो बैंक का निजीकरण कर रहा है, उसका हम लोग पूरे जोर विरोध करते हैं। अभी आपको पता है कि संसद का लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसमें बैंकिंग अमेंडमेंट बिल आता है। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल अगर आ जाता है तो सरकारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन होता है। प्राइवेटाइजेशन हो जाने से हमारी अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी, और बैंक के कर्मचारी हैं उनका जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, साथ साथ ग्राहक लोगों का ग्राहकों को भी बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होंगी।
सबसे पहली बात कि मांगे जो है वो हमारी खुद के लिए नहीं है। आज हम दो दिवसीय हड़ताल पर जो है वो अपनी सैलरी कटाकर हमारी अपनी मांगों के लिए नहीं, ये मांगे हैं जनता के लिए। क्योंकि जनता, गरीब जनता, जो बूढ़े लोग, पेंशनर जो है वो बैंक से जुड़े हैं, बैंक से उन्हें सरकारी बैंकों से पेंशन मिलता है। छोटे बच्चे अपने किताब की सब्सिडी या जो कुछ भी आता है या उनसे बात करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि कृपया देश की जनता को लुभाए ना कि अगर एमपी है उन्हें। बक्सर के सदर अस्पताल में सिटी स्कैन का डीएम अमन समीर ने उद्घाटन किया और इस दौरान सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि सिटी स्कैन के लिए रेट के चार्ट को अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी छपवाकर दीवारों पर लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही सिटी स्कैन कराने के लिए आने वाली महिला पेशेंट के लिए महिला एएनएम की बहाली की जाए। नालंदा जिला के केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने पटेल एग्रो वेयरहाउस मिल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के साथ बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के बाद अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना को सफल बनाने का दायित्व पैक्स, केंद्रीय सहकारी बैंक को और राज्य खाद्य निगम का है। बहुत संख्य रूप से चूंकि 198 पैक्स अभी टैग है और 10 और टैगिंग होने की प्रक्रिया में है तो कठिनाई उत्पन्न होगी, तो इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कि पैक्सों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसी दृष्टिगत उसी उद्देश्य से हम लोग सभी डीएसओ साहब और डीसीओ साहब और हमारे निर्धारित मंडल के सदस्यगण और कई पैक्स अध्यक्ष साथ में आए हैं कि इस समस्या को निदान करके आगे किसानों को हित में कार्य किया जाए। अगर भविष्य में कहीं कठिनाई होगी, टैगिंग व्यवस्था में, बिलिंग में अगर दिक्कत होगी तो पुनः इस पर विचार करके एक वैधानिक स्थिति में विकल्प पर निर्णय लिया जाएगा। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की राज्य कार्यकारिणी की बैठक पूर्व मंत्री अजीत कुमार की अध्यक्षता में पटना के भूमि विकास बैंक के हॉल में संपन्न की गई। वहीं कार्यकारिणी की बैठक में राज्य के सभी 38 जिलों में फ्रंट का जिला और प्रखंड कमेटी को 31 दिसंबर तक गठित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं संगठन के सदस्यता अभियान का लक्ष्य फिलहाल 1,00,000 का रखा गया है, जिसे अगले साल 2022 में पूरा करने का संकल्प भी लिया गया। ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का लघु कार्यकारिणी की बैठक, राज्य कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई है। इस बैठक में संगठन का विस्तार, भावी कार्यक्रम और हम कैसे और अधिक इस संगठन को संघर्षशील, गतिशील बना सके, इस पर जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी के साथियों के साथ हम लोगों ने चर्चा किया है। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम पूरे राज्य में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले एक विशेष सदस्यता अभियान चलाकर 1,00,000 भूमिहार भाइयों को सदस्य बनाएंगे। चाईबासा में प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के मंगरा लुगन पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली चाईबासा के जंगलों में घूम रहा है, तभी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई और मुठभेड़ के बाद 2,00,000 का इनामी प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई सदस्य का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान पीएलएफआई का एरिया कमांडर के रूप में की गई है। वहीं मौके से एक AK-47, जिंदा कारतूस, मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए गए। रांची के तमरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अफीम की तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लगभग 3 किलो अफीम और एक गाड़ी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि अफीम तस्करी में पिछले कई वर्षों से युवक लगातार सक्रिय था। गिरफ्तार तस्कर रांची के तमर थाना क्षेत्र का रहने
तो बता दें आपको कि गिरफ्तार तस्कर रांची के तमार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सूचना ये थी कि तमार की तरफ से टाटा के ओल्ड बोलेरो गाड़ी से लेके जा रहा है लोग, ये अफीम का ही खेप है उसमें। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में जब वहाँ रंगा माटी के पास टीम जब वहाँ पहुँची तो पुलिस को देख के लोग वहाँ दो लोग थे, दोनों लोग निकल के भागना शुरू किया। खदेड़ की एक टीम ने जिसको पकड़ी है उनका नाम है जनार्दन सेठ उर्फ लोखाई सेठ, ये लोकल तमार के ही द्वारसिनी के रहने वाले हैं। जब इनके बताए अनुसार जब गाड़ी को तलाश किया गया तो उसमें क्रूड अफीम। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे, इस दौरान शाह निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को भी संबोधित करेंगे। शाह अपनी यात्रा के दौरान यूपी को ऑपरेटिव बैंक की शाखाओं और भंडारणों के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे और सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। यह बात खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी है, जानकारी दी है। और वही शाह 18 दिसंबर से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।